कहना चाहेंगे आज से 7 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है? नहीं, अभी जो भी स्थिति है जिले की उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और अधिकारी ने बताया कि सारी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और हमारे पास पर्याप्त बेड है और वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, 125 वेंटिलेटर हमारे पास, लेकिन ICU जो है हमारे पास वो उतना नहीं है, जितने वेंटिलेटर। और अभी जो हमारा कल्पना चावला जो है उसमें अभी 10 टन की कश्ती का हमारा जो ऑक्सीजन का एक वो है वो उसकी व्यवस्था स्टोरेज टैंकर जो है वो हमें पूरी उम्मीद है सर कल तक हमारा पहुंच जाएगा और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली, जो बच्चे बेस उसका बनाना होता है सारा तैयार है हमारा, तो वो कर लेंगे और उसके आने के बाद में काफ़ी सुविधा उसमें ऑक्सीजन के मामले में हो जाएगी। तब कुल मिला के अभी भी हमारा ऑक्सीजन का भी और दूसरा भी सारा का सारा ठीक तरीके से सारा प्रोग्राम है, ठीक से चल रहा है। सर हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है, आज से लॉकडाउन है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए लॉकडाउन वैसे तो हरियाणा में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस चेन को तोड़ना था, पेशेंट बढ़ते जा रहे थे इसलिए इस चेन को तोड़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ इस समय समाज में भी इस प्रकार की धारणा थी कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, तो सारे का एक निर्णय लिया गया कि अभी 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि ये चेन टूटे। सर वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगनी है तो एक दिन काम भी शुरू लेट हुआ, पहले 1 मई से लगनी थी, 2 मई से लगनी शुरू हुई है, तो किस तरीके से पूरे हरियाणा की वैक्सीनेशन ड्राइव? पूरे हरियाणा में एकदम इस टाइम कोई वो नहीं, सभी लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए, जिस प्रकार से पहले कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसके बारे में गलतफहमियां भी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो गलतफहमियां सारी की सारी समाप्त होगी और विरोध अब कहीं रहा नहीं क्योंकि जनता को इस बात का पूरा पता चल गया कि वैक्सीन बहुत ही जरूरी है, उनके लिए लाभदायक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्राइवेट तैयार है सबके सब लोग। जैसे ही वैक्सीन आती है, जितनी वैक्सीन आती है वो ऑनलाइन इसकी एक बुकिंग है और लोग अपने टाइम पे जाते हैं और मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम, लोगों में उत्साह है, लोगों में बहुत ही उत्साह है। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने रुपए की लगेगी, कुछ आइडिया? नहीं अभी मुझे इसका पूरा नहीं, मैं आपको बता सकता कि क्या रेट है उसका, रेट क्या निश्चित किए वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन लोगों में उत्साह है वैक्सीन। सर आने वाले आप शिक्षा मंत्री हैं, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी कोरोना काल है, पिछली बार सरकार कोई राहत लोगों को नहीं दिलवा पाई, स्कूल फीस के मुद्दे पर सांसद जी बैठे हैं, पैर भी बहुत की लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, इस बार कुछ उम्मीद कर सकते हैं हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री से? नहीं देखिए पिछली बार भी ट्यूशन फीस ही थी और उसके बाद जब जो स्कूल के मालिक थे वो हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने सारे ड्यूज के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बाद सरकार अपील में गई थी और सरकार की अपील के बाद ही हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि केवल ट्यूशन फीस लेंगे, तो हमने उनकी बात पूरी उस तरफ की। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से फैसला आया, उसके बारे में भी हम जल्दी एक कानून ले गए कि कितनी फीस बढ़ा सका, तो अब उसका जल्दी वो आएगा और उसमें एक निश्चित करेंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की ना ही तो कभी परिस्थिति आई और ना ही कभी इस प्रकार की जरूरत पड़ी, ऐसा कोई नियम नहीं था कि कितनी परसेंट हिसाब बढ़ा सकते हैं, तो अभी हम उस पर लेके आ रहे हैं, जल्दी हम इस पर। सर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है जिसको लेकर आने वाले समय में हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट कोई हरियाणा में बनाए जाए, पिछले 1 साल के दौरान अगर तैयारियां की गई होती शायद इस तरह की परेशानी ना आती? नहीं ऑक्सीजन के प्लांट लगाए भी जा रहे हैं और अभी संजय जी ने भी बताया भी था यहाँ पे कोई एक जगह प्राइवेट है और वो लगाने लगे, वो 50 बेड की उन्होंने ऑफर किया, आज ही किया, हमने उनको बोला कि आपको जगह एलोकेट कर देंगे, कल्पना चावला में ही कर देंगे, तुरंत हाथों हाथ 5 मिनट में वो कर दिया। सांसद जी एक सवाल है, पीएम केयर फंड से 5 वेंटिलेटर मिले थे करनाल सिविल हॉस्पिटल में, वो आज तक ऑपरेशनल नहीं हुए, क्या वो पैसा खराब नहीं गया? अगर वो 5 वेंटिलेटर होते तो 5 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। नहीं 5 वेंटिलेटर तो 125 है जिसमें नहीं, सिविल हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से जो है थे, वो आज तक धूल फांक रहे हैं, चालू नहीं हो पाए, ना उनका मटेरियल है, ना डॉक्टर है, ना बिल्डिंग बनी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये मेरी जानकारी, 5 वेंटिलेटर यहाँ 125 सरप्लस वेंटिलेटर है, जैसा मंत्री जी ने बताया कि 15 ही यूज हो रहे हैं,
110 वेंटिलेटर तो आज की डेट में यूज भी नहीं हो रहे। वेंटिलेटर के साथ साथ उसको चलाने वाला स्टाफ और उस प्रकार की सारी परिस्थितियां की जरूरत होती है, केवल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती, वेंटिलेटर के साथ साथ और सारी चीजों की जरूरत है। सर जरूरत जरूरत सरकार के पास नहीं है इसका मतलब वो नहीं थी जितनी वो थी, लेकिन अभी भी हमारे पास जितनी हमारे पास पेशेंट है लगभग जरूरतमंदों तक राशन पहुंचे उसके लिए वेंटिलेटर के बारे में कुछ एक मिनट वेंटिलेटर के बारे में कुछ गलतफहमी चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है। इस बात का फैसला डॉक्टर ही करेगा कि किसको वेंटिलेटर की जरूरत है किसको वेंटिलेटर की नहीं जरूरत है। अभी वैक्सीन के बारे में भी कोई अभी बात चल रही थी, जो एक इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, तो उसके बारे में बता रहे थे, उन्होंने कहा कि 10 दिन तक ही उसकी जरूरत होती है, 10 दिन के बाद वो पानी है किसी क्रम का भी नहीं है। लेकिन कई बार मुझे तो पता ही नहीं कि वो पानी है नहीं है, मैं तो बाद में भी मेरा तो एक ही प्रयास है कि मुझे इंजेक्शन किसी तरीके से मिल जाए, भले ही किसी रेट पे मिल जाए, मैं तो अपने पेशेंट को इसको ही लगाऊंगा क्योंकि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, तो डॉक्टर को इसकी जानकारी है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 दिन के बाद इसका कोई उपयोग ही नहीं है इंजेक्शन का, तो ऐसे ही वेंटिलेटर की भी जरूरत किसको है किसको नहीं। डॉक्टर पंचायत भी देखने को मिली, मामला भी दर्ज हुआ, तो किस तरीके से एक बातचीत करके उस किसानों को समझाया जा रहा है कि आप लोग उठ जाएं या नहीं उठते तो फिर वैक्सीन लगवा लें टेस्ट करवा लें। ये तो उन्हें समझना चाहिए कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है आज, अगर आप उस समस्या को इस तरीके से लेंगे कि उसको रोकने की बजाय बढ़ाने का काम करोगे तो देश की जनता को भी समझना चाहिए क्या है। किसान बढ़ा रहे हैं, देखिए अगर कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, वो भीड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो अभी तक यहाँ आपके करनाल में कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन तो नुकसान कर देगी, वैक्सीन से फलाना आदमी मर गया, ये गया वो गया, आपके यहाँ आपके कराया उन्होंने, मैंने देखा वीडियो पे, तो उसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन का, आज वो कह रहे कि वैक्सीन ले गया जल्दी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो ठीक व्यवहार नहीं है। देखिए अब ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक किसी पार्टी की किसी की समस्या नहीं, देश की समस्या है और हमारे सब के लिए जरूरी है कि हम पूरे नियमों का पालन करके उसकी लड़ाई। सर बाकी विधानसभाओं में क्या इंतजाम है, करनाल का तो आपने बता दिया, बाकी विधानसभा क्षेत्र में क्या इंतजाम है, क्या वहां से करनाल ही आना पड़ेगा या वहां पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था? नहीं नहीं, सब जगह अच्छी से व्यवस्था है। देखिए अब क्योंकि करनाल एक मुख्य शहर है और हॉस्पिटल यही ज्यादा है, ज्यादा सुविधाएं यही है, लेकिन और जब और भी जो विधानसभा है वहां पे भी। मंत्री जी कल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कम हो गई थी, प्रेशर कम होने से 2 बुजुर्गों की डेथ हो गई है वहां पर, तो वो जिनके बुजुर्ग एक्सपायर हुए हैं उनका वो है कि जो ऑक्सीजन कम की है पहले से इंतजाम नहीं किए गए जिस वजह से हमारे परिवार के दोनों सदस्य एक्सपायर हो गए हैं, क्या इस मामले में कोई सरकार जांच करेगी? नहीं देखिए ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या का किसी का अनुमान नहीं होता, अगर अचानक आपके सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें खामियां रह जाती हैं। लेकिन सरकार जिस जिम्मेदारी के साथ लगी तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की कोई ऐसी कमी नहीं हो सकता है। एक आध केस जैसा आपने कहा कि इसमें सच्चाई हो आपकी, तो इसके डायरेक्टर साहब इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं कि जो आपने बात कही इसकी कितनी इसकी सच्चाई है। नहीं कई बार क्या होता है, देखिए मेरे साथ कोई दुर्घटना आएगी तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरी पीड़ा है जी वो, जब मेरी पीड़ा है तो मुझे गुस्सा भी ज्यादा है और मैं दूसरी बात भी कह सकूं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है डायरेक्टर साहब दे सकते हैं। मंत्री जी मेरा अगला क्वेश्चन ये है, करनाल के एक डॉक्टर सुनील पवार हैं, वो अपना 12 बेड का हॉस्पिटल सरकार को समर्पित करना चाहते हैं, कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि वो पूरी तरह तैयार है। आज भी पेशेंट लेकर गए थे उनको वहां पर, पहले गिरफ्तार किया गया बाद में छोड़ दिया गया, एसएचओ कहते हैं गिरफ्तार नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा इशू है, जब लोग सामने आ रहे हैं सेवा करने के लिए उसमें सेवा से कौन किसको अरेस्ट कर दिया? कांग्रेस नेता है सुनील कुमार, उनका अपना हॉस्पिटल है, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है। नहीं नहीं सेवा करने वाले को तो किसी भी सेवा वाले को कोई भी पता कर लेते पता कर लेते पता कर लेते अभी पता कर जी वो तेरा जाते लेने में हम ले लेंगे साहब 2 मिनट में। सर सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है हरियाणा में, ये सच है ऑक्सीजन की कमी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं आप? क्योंकि अगर टैंकर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जैसे पहले अभी यहाँ बातचीत हुई जहाँ काम में एक गाड़ी थी, अभी डी साहब ने एक बात कहा कि उसमें हम 3 गाड़ियां लगा रहे हैं, जो खाली सिलेंडर है वो एक लेके आएगी, बड़े सिलेंडर दूसरी लेके जाएगी, और एक दूसरी जो दूर के हॉस्पिटल है उनके लिए अलग से एक गाड़ी होगी, तो हर चीज़ को बढ़ा रहे हैं उसमें सुधार कर रहे हैं।
लेकिन अचानक कोई बहुत बड़ी एक विपत्ति सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत उसमें ऐसे समय में सर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? जो बात आपने कही लगभग लगभग ब्लैक मार्केटिंग कही नहीं, सरकार एकदम उस पर पूरी तरीके से संज्ञान ले रही, कोई भी आदमी अगर ऐसा करता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सेकंड, जो आकर्षण जी ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कमी थी, ऑक्सीजन भी जो हमारा प्लांट है पानीपत का ही प्लांट है ओवर होके चल रहा है, 260 मीट्रिक टन का उसका कैपेसिटी है, 350 तक हम उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की ऐश्वर्या इमरजेंसी आ गई, बार बार नायब सैनी जी का भी फोन आ रहा था, सुधा सुभाष सुधा है उनका भी फोन आया, तो उनकी गाड़ी रुड़की गई हुई थी, अब रुड़की से आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, ऐसी करनाल की दिक्कत थी, हमारा कोटा रुड़की से आता था, कल भी पंचर, मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि हमारी पानीपत से ही दो सप्लाई, पहले जो अलॉटेड कोटा थे रुड़की का, हमारा कोटा था यमुनानगर का रुड़की का था, प्लांट भी एग्जास्ट हो रहे हैं, जो व्हीकल कर रहे हैं वो भी एग्जास्ट हो रहे हैं, कई कई अधिकारी तो 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कई कई डॉक्टर्स सरकारी भी और प्राइवेट भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आप ये देखोगे 2-3-4 घंटे से ज्यादा आप लोग भी नहीं सोते होंगे, इस समय हर आदमी अच्छे उसमें कर रहा है, और आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल के साथ लोगों का मनोबल बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो हम सब मिलकर उस काम में लगे। सर आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिस तरह आज इतने कई मंत्रियों की ड्यूटी लगी है हरियाणा में पब्लिक के भी जाने की, तो किस तरह का लोगों को सहयोग रहेगा? नहीं रहेगा, अधिकारियों की भी लगी है, मंत्रियों की भी लगी है, अपने जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, सांसद अपने अपने क्षेत्र में, हर आदमी कहीं ना कहीं काम के अंदर लगा हुआ है, और सब लोग चाहते हैं, क्योंकि ये अनपेक्षित था, इस तरह का कभी जीवन में सोचा ही नहीं था, हमने तो अपने जीवन में देखा नहीं, बुजुर्गों ने देखा तो अलग बात है, इतना एक एक हम जाते हैं कहीं शिवपुरी में किसी के संस्कार में, एक जाती है बॉडी दूसरी आ रही होती है, ये स्थिति बनी है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर भी एक उम्मीद देखते हुए सब लोग पॉजिटिविटी, आज आप देखो हर हॉस्पिटल के ऊपर एक कार्यकर्ता संगठन की तरफ से दे दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन की तरफ से चला गया, और डॉक्टर्स पहले से लगे हुए, सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। भाटिया सर, आप जम्मू कश्मीर गए वहाँ चुनाव जीत गए, असम गए वहाँ जीत गए, आपकी बंगाल ड्यूटी लगती तो सारा शायद बंगाल नहीं, बंगाल में कहता हूँ कि बंगाल बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया, आज वैसे पॉलिटिकल विषय पे हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा अपना आकलन है, मैं समझता हूँ बंगाल में तो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है बीजेपी की, आप देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने चलाकी करके अपनी सीट तो जीरो कर दी, तृणमूल की सीट को बढ़ाने का काम किया, भी वोट बीजेपी के अगेंस्ट यूनाइट होकर डले, और जिस तरह से उन्होंने पोलराइजेशन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम सब लोग सारे 130 करोड़ भारतीय हम एक हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर पोलराइजेशन किया उसके कारण ममता जीती, ममता इतनी स्ट्रांग लीडर थी तो अपना विधानसभा का चुनाव क्यों हार गई, ये सोचने वाली बात है। मंत्री जी एक सवाल आपसे आखिरी, आपके पास करनाल जिले की जिम्मेवारी है, प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पताल में कल्पना चावला में क्या औचक निरीक्षण करेंगे? अगर करते हैं तो जाहिर तौर पर सुविधा और बेहतर होगी, लोगों के अंदर एक संतुष्टि होगी कि हाँ सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में। हाँ नहीं बिल्कुल, जैसी जैसी जरूरत होगी तो निश्चित तौर से। मंत्री जी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कोविड के मामले को लेकर? नहीं, जनता से तो यही अपील है कि जो भी इसके नियम है उनका पालन करें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है चाहे सैनिटाइज की बात है, तो उन सारी चीजों का पालन करें। दूसरा मैं एक और आपके इसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कई जगह इस प्रकार का भी आया कि वो पॉजिटिव मिला केस, लेकिन पॉजिटिव के बाद वो व्यक्ति कहता है कोई लक्षण तो कुछ है नहीं, तो शायद वैसे ही गलत पॉजिटिव है, रिपोर्ट गलत है। ये जरूरी नहीं है कि जो कोरोना का पेशेंट है वो जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो सारे लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर से उसमें अपने घर पे अलग से रहना चाहिए और जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो उससे है वो सबसे पहले परिवार को है, उसके दोस्तों को है, उसके परिवार को। सर एक सवाल बस, कि बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे हैं करनाल को, कि प्राइवेट हॉस्पिटल 500 रुपए में बेड रिजर्व कर लेते हैं, मान लो मुझे जरूरत है 500 रुपए में रिजर्व कर लिया, लेकिन दिल्ली से कोई मरीज आया जो मोटी रकम दे सकता है, फिर उस मरीज को हटा दिया जाता है और दिल्ली वाले को यहाँ रख लिया जाता है। उसमें भी हमने पूरा उस पे एक्शन लेंगे अगर इस प्रकार का कोई करेगा, लेकिन हमने रेट लिस्ट भी हॉस्पिटल में, प्रत्येक हॉस्पिटल में रेट लिस्ट लगाई थी कि इस चीज़ के इतने पैसे हैं, इस चीज़ के इतने पैसे हैं, इस चीज़ के इतने पैसे हैं, तो इस प्रकार की जो पहले कहते हैं उस कहते हैं। मंत्री जी इस बार कोई पैकेज देने जा रही है? सरकार पिछली बार काफी राहत दी थी, इस बार कुछ राहत मिलेगी जनता? देखिए अभी उसका निर्णय तो मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, आप कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में हूँ लेकिन मुख्यमंत्री। थैंक यू, धन्यवाद।
तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया जो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। किस तरह से कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया और हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जिन्हें करनाल का ऑब्जर्वर बनाया गया और उनके साथ करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया मौजूद थे, हरविंदर कल्याण मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।